गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद एक्टिविटी वन. टू शो दैट कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस टेस्ट विल टेल अस दैट अ लीफ मेक्स फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और स्टार्च. स्टेप वन, प्लक अ लीफ फ्रॉम ए हेल्दी प्लांट. स्टेप टू, ब्लीच द लीव बाय बॉइलिंग इट इन वॉटर. स्टेप थ्री, बॉइल द लीव इन एल्कोहल. स्टेप फोर, ग्रीन क्लोरोफिल डिजॉल्व इन एल्कोहल एंड द लीव बिकम्स वाइट. स्टेप फाइव, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, येलोइश ब्राउन कलर. स्टेप सिक्स, लीव टर्न्स टू ब्लू ब्लैक कलर. नाउ इन स्टेप वन यू हैव टू प्लक अ हेल्दी लीव फ्रॉम अ हेल्दी प्लांट. In step 2, you have to boil the leaf in water. In step 3, you have to boil it in alcohol. When you boil the leaf in alcohol, it turns white because the chlorophyll pigment dissolves in alcohol. In step 5, you have to add on that black leaf drops of iodine. Okay? As you add drops of iodine, leaf turns into blue-black color. This shows that leaf has carbohydrate or starch in it which it prepares as food during photosynthesis. Okay? इस एक्टिविटी में सबसे पहले आपको एक अच्छी सी लीफ तोड़नी है, फिर उस लीफ को आपको बॉइल करना है वाटर में, फिर उसको बॉइल करना है आपको एल्कोहल में. जब आप एल्कोहल में बॉइल करोगे तो लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो एल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है और लीफ वाइट हो जाती है. ओके okay? फिर आपको उस लीफ में 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन डालना है. जैसे ही आप आयोडीन डालोगे यह लीफ ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी. अगर ये इस कलर में चेंज होती है तो इसका मतलब है कि लीफ में स्टार्च है. जो लीफ ने कब बनाया था, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया था फूड जो स्टार्च के रूप में लीफ में रहता है. तो आयोडीन के द्वारा पता लग जाता है कि लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है. ओके okay? Now coming to parts of leaf. Different plants have different shapes and sizes of leaves. Different parts of leaf are: the green exposed portion is known as leaf blade. Leaf blade may be narrow or broad. The central thick part of the leaf is known as midrib, and the branches arising from the midrib are the veins to supply water and prepare food. There are small openings on the under surface of the leaf known as stomata, which help in exchange of gases. Different plants have different shapes and sizes of leaf. Okay, the green exposed portion of the leaf is called leaf blade. Leaf blade or lamina, L-A-M-I-N-A. This middle line which is going through is called as midrib. Okay? Now the branches arising from the midrib are called as veins to supply water and food to these parts. Okay? And there are small openings on the under surface of the leaf which is called as stomata, which help in exchange of gases. Now see, there are different shapes and sizes of leaf. देखिए लीफ के अलग अलग शेप होते हैं. ये देखिए शो प्लांट की लीफ है, ये भी शो प्लांट की लीफ है. ओके, दिस इज ऑल्सो द लीफ ऑफ ए शो प्लांट. ओके, दिस इज द लीफ ऑफ शो प्लांट. ओके, नाउ दिस इज लीफ ऑफ गुआवा. सो द लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. अलग अलग प्लांट्स की लीफ अलग अलग शेप्स और साइजेस की होती है. ओके, अब देखिए लीफ का जो ब्रॉड पार्ट होता है, ये जो चौड़ा पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं लीफ ब्लेड या लेमिना. ओके, यह चौड़ा पार्ट नैरो भी हो सकता है और ब्रॉड भी हो सकता है. देखिए नैरो भी हो सकता है और ब्रॉड भी हो सकता है. देखिए ये कितना पतला है और इसका ये पार्ट कितना चौड़ा है. ठीक है, अब इसके जो बीच की जो वेन होती है उसको हम बोलते हैं मिड रिब. क्या बोलते हैं? बीच की वेन को मिडरिप बोलते हैं. और इसी मिडरिप से देखिए अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं.
देखिए इसी मिडरिब से अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं, ये सब देखिए, ये सब देखिए, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ये वेन्स जो फूड और वाटर होता है इसको डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करती है। ओके, इस वेन के द्वारा फूड और वाटर इन दूसरे पार्ट्स को दिया जाता है, मतलब उसको भेजा जाता है। ओके, अब इस लीफ के नीचे का पोर्शन होता है, ये देखिए इसके अंडर सरफेस, ये इसका अंडर सरफेस है, इसमें स्मॉल पोर्स या ओपनिंग्स होती हैं या होल भी बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, इसके अंडर सरफेस में स्मॉल ओपनिंग्स या होल्स होते हैं जिसे बोलते हैं स्टोमेटा, ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस मच फॉर टुडेज क्लास, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस एंड फंक्शंस ऑफ लीफ। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग, थैंक यू चिल्ड्रन।